तो दोस्तों मॉडिफाइड क्लब में एक नई वीडियो आ चुकी है जी। ये देखिए आप सारी की सारी ऑफ रोडिंग एसेसरी, आप थार को क्या क्या लगवा सकते हैं और किस एसेसरी के साथ अपनी गाड़ी को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। काकू भाई जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब ओवर ट्रेंडी बेसिकली ये व्हीकल कह सकते हैं आप थार को। तो काकू भाई थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला और हमें प्लीज बताइए अब स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं कि जहाँ से हम अपनी कार को जो ऑफ रोडिंग लुक दे सकते हैं, कार को मतलब बेसिकली जेंट लुक दे सकते हैं एक बड़ी वाली। स्टार्ट बेसिकली हम तो फ्रंट से ही करेंगे। जैसे आप फ्रंट में देख सकते हो कि इसकी जो ग्रिल्स आ जाती हैं, बेसिकली ये चीज़ आप देख सकते हो, इसकी ग्रिल्स आ जाती है, ग्रिल्स में मॉडल्स आ जाते हैं। ये जो ग्रिल है, आप वैसे कलर तो हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, चाहे आप वाइट ले लो, ब्लैक ले लो, रेड ले लो, रॉकी बेज है, कॉपर कलर, मतलब जो कलर आज तक आए हैं, गैलेक्सी ग्रे, सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। मतलब कि गाड़ी का जो कलर लोगों के पास है उसी की सेम कलर की ग्रिल आप प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम कलर हमारे पास अवेलेबल है, जो भी है, मतलब 6-7 कलर आते हैं इसमें थार में, और सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है। क्या बात है। तो आपने अपनी गाड़ी के लिए ना मतलब सेम डिट्टो कलर की रेंगुलर लुक दे सकते हो, एक बड़ी बढ़िया सेम कलर की ग्रिल लगवा के। सेम मतलब आप बिलीव करना, फ्रंट से तो बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाती है। ये ग्रिल और कंपनी वाली ग्रिल, अगर आप ये अपडेट कराते हो फ्रंट, बिल्कुल लुक चेंज आ जाती है। इसमें भी मैं आपको बताने लगा कि जो क्वालिटीज़ हैं हमारे पास, दो तरह की आ जाती हैं। एक तो सबसे पहले कि आप ये देख सकते हो प्रॉपर जो ग्रिल है ये प्रॉपर कर्व में आ जाती है, जो नॉर्मल प्लेन में इसकी क्या है, जो मैश है ये मेटल में है, और ये सारी जो ग्रिल है ये ABS में है, ये सारे कर्व में है, जो ऑल ओवर ABS में आई है, जिसकी मैश भी ABS में होती है, मतलब प्लास्टिक में होती है, उसकी जो ये नॉर्मल है, उसकी शेप नॉर्मल है, तो थोड़ा लुक का डिफरेंस आ जाता है। बाकी वेट का आप हमारे पास विजिट करोगे, हम आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे, बाकी वेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये चीज़ जो फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं, फ्रंट में आपने ये देख लिया, और फ्रंट में इसके बाद फिर हम फ्रंट इसके जो बम्पर्स आ जाते हैं, आप ये देख सकते हो ये मेटल में आ गया, ये ABS में आ गया, जिसको आप हम कह देते हैं रूबीकॉन वाला, प्रॉपर इसके जो हुक्स होते हैं ये सारा मेटल में। एक बार इसकी नॉइस जो है वो आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए ज़रा, अगर माइक जस्टिफाई कर रहा है तो ये आपको मतलब आवाज़ जो है वो सुनने में पता चलेगा। ये देखिए ये है मेटल, ये मेटल है, ये चेक कीजिए, ये मेटल है, मतलब आप दोनों ये भी दोनों देखोगे नो डाउट। आजकल जो ज़्यादा ट्रेंडी है वो ये वाला बम्पर ज़्यादा ट्रेंडी है, क्योंकि इसकी जो लुक फ्रंट से बनती है वो रूबीकॉन वाली बनती है। ये अगर आप स्ट्रेंथ में देखोगे, मजबूती में देखोगे, तो इसकी मजबूती ज़्यादा है, इसकी मजबूती कम है, पर ये है जो कंपनी की तरफ से बम्पर आता है इसकी मजबूती उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर में आ जाती है। एंड उसके बाद फ्रंट में जो इसकी आ जाती हैं हेडलाइट्स, हेडलाइट्स में हमारे पास बहुत डिज़ाइन पड़े हैं यहाँ पे, अभी हमने नॉर्मल दो ही डिज़ाइन रखे हैं जो ज़्यादा चलते हैं आजकल। ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ आप देख सकते हो प्रॉपर सारे इसमें प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं, छोटे प्रोजेक्टर है, हाई बीम लो बीम सारे इसी में चलते हैं। और इसमें जो ये देख सकते हो ये भी आजकल बहुत अच्छी रनिंग में चल रही है, जो यू वाला डिज़ाइन है, यू वाला डिज़ाइन ये भी बहुत अच्छा रनिंग में चल रहा है। और फ्रंट में लगाने के लिए जैसे अब आपने ये बम्पर अपडेट कराया है, वैसे अगर आप जेन्युइन फॉग लाइट लगवाना चाहते हो जो बाय डिफॉल्ट स्टॉक आती है वो भी इसमें अपडेट हो जाती है, नहीं तो अगर आप प्रोजेक्टर्स लगवाना चाहते हो तो प्रोजेक्टर्स भी अपडेट हो जाते हैं इसमें। और उसके बाद अब इसकी टेल लाइट्स आ जाती है, टेल लाइट वैसे भी हमारे बहुत डिज़ाइन इसमें हमने आपको पहले भी वीडियो में दिखाए हैं, पर आजकल जो ये लेटेस्ट एक्स वाला डिज़ाइन चल रहा है, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, इसके मतलब इंडिकेटर्स जो हैं वो प्रॉपर मैट्रिक्स चलते हैं, यहाँ पे बैक गियर लाइट आती है, और इसमें जो हम पार्किंग एंड ब्रेक इसमें चलते हैं, तो ये चीज़ें आजकल आ जाती हैं जो साइड विंडोज़ में लगती हैं, इसको हिंज कहते हैं। आप ये देख सकते हो कि प्रॉपर ये ओपन करके आप इसमें मतलब एक अपना फुट स्टेप रख के ऊपर आप कार क्लीन कर सकते हो। इसमें ब्लैक कलर भी आ जाता है हमारे पास, रेड भी आ जाता है, ब्लैक भी आ जाता है, और इसमें भी जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग चीज़ें की आ जाती हैं। इंटीरियर में जो आ जाता है ग्रैब हैंडल, ये बहुत आजकल मतलब डिमांड में है, क्योंकि जब हम अंदर बैठते हैं बैठने में बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। पहले ग्रैब हैंडल पहले भी आते थे, उसमें ये चीज़ होती थी कि उसमें जब हम फिटिंग करते थे तो होल करना पड़ता था, ये आ गया है ड्रिल लेस, कोई ड्रिल नहीं करनी, कोई होल नहीं करनी, एंड 00 फिटमेंट के साथ में। ये फ्रंट में जो आप देख सकते हो जैसे हम हेडलाइट्स फिट करते हैं, हेडलाइट्स के साथ में जो DRL कंपनी की तरफ से आता है वो नॉर्मल सिंगल आता है, और नीचे इंडिकेटर का बल्ब होता है, ये प्रॉपर मैट्रिक्स में DRL इसमें अपडेट हो जाता है। और पीछे टेल लाइट के नीचे जैसे हम इसमें टेल लाइट्स इसमें अपडेट की, तो उसके जो पीछे बम्पर में ये रिफ्लेक्टर्स भी लग जाते हैं। इसमें भी जो मॉडल्स हैं हमारे पास अलग अलग हैं, काफ़ी मॉडल्स इसमें भी हमारे पास अपडेट रहते हैं। ये आ जाती है अंडर बॉडी प्लेट, जब हम ये वाला बम्पर इसमें अपडेट करते हैं तो उसके नीचे ये अंडर बॉडी प्लेट आ जाती है, पराड की है, आप देख सकते हो, कलर रेड भी मिल जाएगा और ब्लैक भी मिल जाएगा इसमें।
तो काकू भाई ये थी सब जो मतलब हमारे भाई ऑफ रोडिंग के लिए या एक लुक कह लूँ मैं बढ़िया तैयार करने के लिए ये एक्सेसरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटीरियर में जो जो चीज़ें थी वो हमने आपको दिखा दी है। इंटीरियर में बेसिकली आप ये देख सकते हो इसका आर्मरेस्ट, ये आर्मरेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आर्मरेस्ट इसका बिल्कुल, इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हो, ब्लैक में ब्लैक भी आ जाती है, ब्लैक में रेड भी आ जाती है, प्रॉपर डबल फोमिंग में है। ये भी ड्रिललेस है, मतलब पहले क्या होल करके लगते थे, ये आप ओरिजिनल फिटमेंट में। ये फ्रंट वाला आ जाता है, ये बेसिकली सेट ऑफ थ्री के पीस आते हैं, और जो ये वाला है ये वाला रियर का आ जाता है, आप इसमें देख सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है ना, थार में हमें जगह की प्रॉब्लम है, आप इसमें कोई ग्लास स्टैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये चीज़ है। ये प्रॉपर इसमें ग्लास स्टैंड आ गया, ट्रे आ गई, साथ में चार्जर आ गया, चार्जर भी दोनों आ गए, नॉर्मल USB भी आ गया एंड टाइप सी भी आ गया, इसमें भी प्रॉपर प्लेस है। जो पीछे वाले हैं वो दोनों साइड में लगते हैं, और फ्रंट वाले जो हैं वो फ्रंट में तो दोनों सीटों के बीच में लगता ही है। और हमारे पास ये स्टेपनी कवर भी आजकल थार में अच्छा बिक रहा है, पर ये स्टेपनी कवर तभी लगेगा अगर आपने अलॉय स्टॉक वाले रखे हैं, कंपनी वाले रखे हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट वाले अलॉय डलवा रहे हो तो ये स्टेपनी कवर नहीं लगेगा। स्टेपनी कवर में भी हमारे पास दो रेंज आ जाती है, एक तो वो आपने देखा है मेटल में आ जाता है, एक ये आ जाता है ABS में, जिसको हम बेसिकली जी वैगन डिज़ाइन कह देते हैं। तो ये चीज़ें जो आपको हमने दिखाई हैं ये तो सारी थार की आ गई। उसके बाद इंटीरियर में सीट कवर्स हम आपको दिखाते हैं। सीट कवर्स में भी हमारे पास बहुत वैरायटीज़ है, ये आप देख सकते हो जो सीट कवर्स ऑल ब्लैक विद डायमंड स्टिचिंग, ये एनवोक का ब्रांड आ जाता है, फिटमेंट बिल्कुल 00। ये आप हमारी वैसे भी इंस्टाग्राम स्नैपचैट ID में कार प्लैनेट जलंधर में आप देखते रहते हो, हम ये अपडेट करते रहते हैं। ऑल ओवर ब्लैक में आ गया, ब्लैक में रेड स्टिचिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी डिज़ाइन आ जाता है, ये भी एनवोक का आ जाता है, और ये भी डिज़ाइन आ जाता है। तो आप डिज़ाइन देख सकते हो कि इसकी डिज़ाइन की क्वालिटी, बाकी फिटमेंट की क्वालिटी तो उसकी तो फुल गारंटी है, 3 साल की इसकी गारंटी है, कंफर्टनेस की भी क्वालिटी की भी 3 साल की इसकी हम गारंटी देंगे। बाकी अगर आप जैसे ब्लैक का तो हमने आपको दिखाई दिया, अगर आप कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो ब्लैक एंड टैन का कम्बिनेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, ब्लैक एंड टैन आ जाता है, ब्लैक एंड वाइन आ जाता है, मतलब A to Z हमारे पास चीज़ अवेलेबल है, इन हाउस अवेलेबल है। तो ये थी सारी की सारी थार की वैरायटी। इसके बाद इसके अंदर अगर आप मैट लगवाना चाहते हो तो हाँ, इसमें मैट्स आ जाते हैं हमारे पास, नॉर्मल ट्रे वाले मैट्स चाहिए वो आ जाएंगे, 90 मैट 70 मैट सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। तो काकू भाई ये तो बहुत बढ़िया एक्सेसरी जो है वो आपको दिखा दी गई, और अगर आप भी ये या आपका कोई दोस्त है थार का शौकीन है जो, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। काकू भाई हमारे दोस्त आ कहाँ सकते हैं, यहाँ का एड्रेस बता दो। हमारी शॉप है कार प्लैनेट बैक साइड सेशन कोर्ट रोड BMC चौक जलंधर, एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7816001300। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई एसेसरी अगर हम आज मिस कर चुके हैं आपको चाहिए तो आप काकू भाई को कॉल कर लो, सारी वीडियो के अंदर नंबर जो है वो फ्लैश चल रहा है नीचे, तो आप कॉल कर सकते हो। कोई भी एसेसरी, कोई भी पार्ट, कोई भी लाइट आपको चाहिए होगी तो आप काकू भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो काकू भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, एड्रेस बता दिया, नंबर बता दिया, और इंस्टाग्राम ID पे आप जाके जरूर फॉलो कर लेना कार प्लैनेट जलंधर पे, क्योंकि वहाँ पे डेली अपडेट्स जो है वो चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है, कोई भी है, चाहे थार है, चाहे और कोई कार भी है, मतलब जो भी हम अपडेट करते हैं वो साथ साथ में हम इंस्टाग्राम पे आपको जरूर मिलेगी, कार प्लैनेट जलंधर और Modified_Club 2020 पे जरूर जाके फॉलो करना, और प्यार देते रहना दोस्तों, ऐसे ही हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली थी, कैसी लगी आप कमेंट करिएगा, बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल नई वीडियो में, थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।